नमस्कार, मैं निशांत कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ नेटवर्क। हम फिर से आगे एक और पंचायत में पंचायत की बात करने के लिए, पंचायत का विकास स्तर जानने के लिए मुखिया जी से। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के शेखपुरा जिले के चेवाड़ा प्रखंड के लहना पंचायत में। ये जो शख्स हमारे साथ बैठे हैं, इनका नाम भरत कुमार यादव है, लहना पंचायत के ये मुखिया हैं। तो सीधे तौर पर इनसे जानेंगे इस पंचायत के विषय में कि इस पंचायत का विकास स्तर आखिर है क्या, क्या क्या विकास का काम इन्होंने किया है बीते वर्ष में, और क्या क्या इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है विकास का काम करने में। सारी बात की जानकारी लेंगे इस पंचायत के विषय में। आइए सीधे तौर पर रुख करते हैं भरत कुमार यादव जी की और जानते हैं इस पंचायत के विषय में कि लहना पंचायत का विकास स्तर आखिर है क्या। पहले तो मुखिया जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू। सबसे पहला सवाल हम ये जानना चाहेंगे, मुखिया बने पहली बार आप, किस हद तक विकास कर रहे हैं पंचायत का? देखिए, हम लोग जब से मुखिया बने हैं तब से जो इस हिसाब से फंड आता है उस हिसाब से हम लोग सही ढंग रूप से हम लोग विकास का काम करते हैं। जैसे कि हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र है तो यहाँ ज़्यादा करके छठ पूजा बिहार में महत्व है, तो हम लोग छठ घाट बनाने का काम किए। किस योजना के तहत बनने का काम किया? 15वीं योजना से हम लोग काम करते हैं, किए थे, और अच्छा लगा वहाँ पर, क्योंकि छठ पूजा जो है उमान के जरिए पर्वती लोग को बहुत कष्ट होता था, तो ग्रामीणों का कहना था कि मुखिया जी छठ घाट ही बना दीजिए, तो हम लोग छठ घाट का काम किए। अच्छा। और मान के चलिए कि गांव में आता है बराती, गरीब का जो शादीशुदा होता है बच्चे का, उसका तो बराती ठहराव का दिक्कत होता है, तो हम लोग समुदाय भवन पर भी हम लोग मरम्मती का काम किए थे। 15वीं से नहीं था, उस सिस्टम से था। जी, हम लोग का विभाग बांटा हुआ है, कुछ 15वीं है और कुछ सिस्टम है। तो ये दोनों योजना के तहत क्या क्या कार्य करवाए इस पंचायत में? तो यही तो आप बताए, आपको छठ घाट बनाए हम लोग, और समुदाय भवन जो है उसका रिपेयरिंग हम लोग करवाए हैं। अच्छा जी, अभी आपके पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को लाभ मिला है? 125 को मिला है जी, उन्होंने सब मिलके बना भी लिया है। अच्छा। बाकी बचा हुआ है, सरकार का आदेश अभी नहीं है, जब आदेश होगा तो फिर और सब आदमी को मिल जाएगा। जी, स्वास्थ्य केंद्र है आपके पंचायत में? जी, स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, थोड़ा सा झरझर है, अभी हम लोग के पास फंड नहीं है, सरकार का फंड आ जाएगा तो उसको भी हम लोग बना देंगे। स्कूल है आपको पंचायत में? अच्छी। और कितने क्लास तक पढ़ाई होती है यहाँ? 10 तक होता है, मैट्रिक तक का हम लोग का पंचायत में है, लहना में। अच्छा। एक पंचायत में है 10 तक, उसके बाद छठा सतमा तक का सभी गांव में है। नल जल योजना की कैसी स्थिति है आपके पंचायत में? नल जल योजना देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है उसमें, नल जल बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, हम लोग लिख के भी दिए हैं। अच्छा। और जिला में भी हम लोग लिख के दिए हैं और अपना ब्लॉक में भी दिए हैं, अब वहाँ से जो आदेश आएगा उस हिसाब से काम होगा। अभी तो पानी का जान रहे, इतना भारी गर्मी है कि गांव में तो लियर चला गया है, चापाकल चल नहीं रहा है जी। और नल जल भी ढंग से चलता नहीं है, तो जनता को, जो ग्रामीण लोग हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा। सरकार से हम चाहेंगे आप लोग के चैनल के माध्यम से कि थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि गरीब को अगर पानी नहीं मिलेगा तो बहुत तरह का दिक्कत हो सकता है। अच्छा, आपके पंचायत में मुख्य समस्या आपने पानी की बताया, और किसी भी तरह की समस्या आपके पंचायत में? और तो अभी नहीं है, मिला जुला के ठीक है, बाकी जो तकलीफ होता है तो हम लोग कंप्लेन करते हैं तो उसका सुधार हो जाता है। बाकी विकास स्तर लगभग ठीक ठाक है? हाँ, विकास में कोई दिक्कत नहीं, जिस हिसाब से फंड आ रहा है उस हिसाब से हम लोग काम करके दिखा रहे हैं जनता को, दे रहे हैं। जी बिल्कुल। मनरेगा के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? मनरेगा में अभी क्या था कि अभी 20 योजना ही, मतलब सरकार का ऐसा आदेश निर्देश आया है कि आप 20 योजना पर ही काम कर सकते हैं। अच्छा। तो हर एक गांव में एक एक योजना, दो दो योजना, इस तरह का काम हो रहा है। मुख्य रूप से सरकार से क्या डिमांड करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि आपके पंचायत में इस चीज़ की कमी है, ये चीज़ होनी ही चाहिए आपके पंचायत में? जी, पानी का समस्या है, पानी का सुधार कर दे सरकार, हम तो यही कहेंगे। उसका सबसे बड़ा परेशानी है, पानी की है। सिंचाई की भी दिक्कत है? सिंचाई का दिक्कत नहीं है, उसका काम बराबर चल रहा है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बारिश नहीं होता है तो। अच्छा। बारिश जब होता था तो थोड़ा बहुत, अब तो बारिश ही नहीं होता है जी। लेकिन फिर भी वो अपना ढंग से काम हो रहा है, जहाँ तहाँ हम लोग देख रहे काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। पीने का परेशानी है, पानी देखिए जीवन है, तो पानी से ही है ना, जल ही जीवन है। अगर उसका सुधार नहीं होगा तो सब योजना बेकार है जी। हम बचेंगे तभी तो कुछ करेंगे जी। जब हम बचे ही नहीं, गंदा पानी पिएंगे, हम पिएंगे, हमारा बच्चा पिएगा, गरीब लोग को कहाँ से आएगा उसका नया पानी, खरीद के तो पी नहीं सकता है वो।
तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारा खर्चा हुआ है नल जल में, इसका देख रेख का कमी है। अगर देख रेख सुधर जाए तो नल जल बढ़िया चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी तक तो 25% चल रहा, 75% सिर्फ दिखावा है। अच्छा, 25% केवल चल रहा है, चल रहा है, बाकी तो दिखावा है। हम सरकार से चाहेंगे कि इस पर विशेष ध्यान दें और विशेष टीम की गठन हो इसमें जी, और जल्द से जल्द इसको सुधारा जाए, ताकि बहुत सारा गरीबों को सरकार को दुआ लगेगा और फिर से उनका सरकार बनेगा जी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भरत कुमार यादव जी। पंचायत के विषय में ज़्यादा समस्या इन्होंने नहीं गिनाई है, केवल और केवल इन्होंने गिनाई है कि पानी की दिक्कत है इस समस्या में। नल जल योजना के तहत जितने भी कार्य हो रहे हैं यहाँ पे उनकी दिक्कत है। इनका कहना यह भी है कि सरकार को अलग टीम गठन करनी चाहिए नल जल योजना के लिए। बहुत अच्छी योजना है, लेकिन ये जो सिस्टम है सारा, ये सिस्टम केवल खराब है। अगर अच्छे से सिस्टम चलता है संपूर्ण रूप से तो पानी की किल्लत नहीं होगी पंचायतों में। और विकास पथ पर लगातार ये तात्पर्य रहे, ऐसा इनका कहना, लगातार ये विकास कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे एक और पंचायत को लेकर, एक और पंचायत की बात करने के लिए, एक और पंचायत के मुखिया जी को लेकर। धन्यवाद। देखते हैं हमारे साथ बिहार न्यूज़ नेटवर्क। मैं आपके साथ निशांत कुमार, पटना।